हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी आर्ट कला में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दुपट्टे का रीयूज़। फ्रेंड्स, ये मेरा पुराना दुपट्टा आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये पूरा अलग अलग कलर से और बहुत ही ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन भी इसका अच्छा है और इसका अब रीयूज़ करने वाले हैं हम। तो मैंने इस दुपट्टे को किस तरह से था, ये जो आप देख रहे हैं कलरफुल, वो बीच में था और साइड में इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से थी। तो मैंने इस दुपट्टे को बीच में से कट कर लिया और दोनों साइड इस तरह से अटैच कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अटैच कर लिया है दोनों साइड को निकाल कर। तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन हो गई अब इसकी। तो ये एक साइड इस और ये लाइनिंग वाली डिजाइन है और दूसरी साइड जो बीच का हिस्सा था उसे भी मैंने दोनों साइड से कट करके यहाँ पर अटैच कर लिया है। तो ये एक साइड पूरी ये कलरफुल हो गई है और दूसरी साइड लाइनिंग वाली हो गई है। तो ये बहुत ही अब खूबसूरत लग रहा है और मैंने साइड में भी इसे इस तरह से कवर की तरह दोनों साइड से मैंने इसे सिलाई कर ली है और इसे जॉइंट कर दिया है इस तरह से, और नीचे भी मैंने इसे जॉइंट कर लिया है। तो ये कवर की तरह बन गया है और तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा कवर की तरह बन चुका है। अब हमें इसे इस तरह से उल्टा ही रखना है, इसे इस तरह से हम उल्टा ही इसे बिछा देंगे। इसे इस तरह से पूरा उल्टा बिछा देने के बाद में इसके ऊपर ये जो कपड़े हैं मेरे पुराने हैं उसे मैं इस तरह से अच्छे से इसके ऊपर बिछा दूंगी। कहीं पर भी इस तरह से जगह ना रह जाए इस तरह से हमें पूरा इस तरह से बिछा लेना है। दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ओपन वाला हिस्सा है उसे हमें इस तरह से टर्न कर लेना है। हमें ध्यान रखना है टर्न करते समय कि जो हमने कपड़े बिछाए हैं वो हिल डुल ना जाए और जो हमारा कवर है वो भी अच्छे से इस तरह से उसके साथ ही राउंड हो सके। तो इस तरह से पूरा राउंड कर लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ओपन वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से पकड़ना है और एक पार्ट जो ओपन वाला है उसे हम इस तरह से पकड़कर हम इसे टर्न कर लेंगे नीचे के साइड से। तो ये हमने घुमा लिया है। अब हमें जो ओपन वाली साइड है उसके दोनों हिस्सों को पकड़ लेना है अच्छे से खींचकर, और बीच में से हमने जो टर्न किया था उसे हम फिर से खोल लेंगे इस तरह से। तो अब हमें पूरा टर्न खोलते हुए फिर से इसे बिछा देना है अच्छे से। हमें ध्यान रखना है खोलते समय कि हमारे जो कपड़े बिछाए हैं वो एकदम अच्छे से सेट ही रहें, वो बिखर ना जाए। अगर आप अकेले नहीं कर सकते हैं तो आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप आगे टाइट पकड़ कर रखेंगे तो ये रोल अच्छे से खुलकर बिछाने में आसानी रहेगी। तो ये मैंने पूरा रोल खोलकर अच्छे से बिछा दिया है, तो आप भी इसी तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमें इस पर क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर बीच बीच में मैं पिंस लगा रही हूँ ताकि जो हमारे कपड़े हमने बिछाए हैं वो टुकड़े हैं तो आसानी से अच्छे से रहें। और यहाँ पर मैं सुई और धागे से मैं यहाँ पर बड़े बड़े टांके लगा रही हूँ ताकि जो कपड़े मैं जब भी सिलाई करूँ तो कपड़े बिल्कुल भी हिले नहीं। तो अगर आप चाहें तो आप इसे हाथों से भी कर सकते हैं, छोटे छोटे टांके लगाकर काफ़ी खूबसूरत लगता है ऐसे में। मैं यहाँ पर अभी मशीन से सिलाई करने वाली हूँ इसलिए बड़े बड़े टांके ले रही हूँ, कपड़े हिले नहीं इसलिए। तो फ्रेंड्स, आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है, ऐसे में अगर आप इस तरह से आपकी बेड के पास भी इसे बिछा सकते हैं तो जो हमारा ज़मीन है वो ठंडी नहीं लगेगी। अगर ऐसे में आप ज़मीन पर बैठ रहे हैं तो भी आप इसे बिछा कर आप बैठ सकते हैं, या तो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर भी आप इसे बिछा दें और ऊपर खिलौने रखते तो आसानी से बच्चे खेल सकते हैं और बिल्कुल भी ज़मीन है वो ठंडी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने बड़े बड़े टांके इस तरह से कॉर्नर पर लगा दिए हैं
और बीच में मैंने ये पिन लगा दी है ताकि जो अंदर हमने कपड़ा रखा है वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अब आप चाहें तो पूरी इस तरह से छोटे छोटे टांके लगाकर हाथों से भी इसे सिलाई कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया लुक दे सकते हैं। अभी मैं इसे मशीन से सिलाई करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़े बड़े टांके लिए। अब मैं यहाँ कॉर्नर पर और बीच में पूरे से मैं सिलाई मशीन से मैं सिलाई कर दूंगी। तो सबसे पहले हमें सिलाई कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये हमारे जो ओपन वाला पार्ट से उसे हम इस तरह से अच्छे से पकड़ लेंगे। इस तरह से अच्छे से पकड़ना है तीनों पार्ट्स को, जो अंदर हमने कपड़ा रखा था वो और ऊपर का जो दोनों है, ये मैंने पहले से ही यहाँ पर सिलाई कर दी है। तो आप भी प्लीज इसे पहले से ही इस तरह से जो ओपन होता है उसे इस तरह से करके यहाँ पर सिलाई कर ले, ताकि हमें अभी सिलाई करनी ना पड़े और अच्छे से वो सेट हो जाए। तो इस तरह से तीनों को हमें मिला लेना है और यहाँ पर सबसे पहले हमें सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हम चारों कॉर्नर पर सिलाई करेंगे और बीच में आपको जो भी डिजाइन देनी है उस तरह से आप सिलाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर सिलाई कर ली है। अब मैं इसे किसी भी तरह से इसे उठा सकती हूँ, कहीं पर भी रख सकती हूँ। अब ये इसके अंदर जो हमने क्लॉथ रखे थे वो बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे और अपनी जगहों पर बिल्कुल सेट रहेंगे। तो इस तरह से मैंने बीच बीच में यहाँ पर सिलाई चलाते हुए इसे अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा है इस साइड भी। और इस साइड हमने जो है लाइनिंग वाला लिया था, तो लाइनिंग भी अलग अलग दोनों साइड इस तरह से इसकी डिजाइन हो गई है। इस साइड ये लाइनिंग का है पूरा और इस साइड पूरा कलरफुल डिजाइन है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम इसी तरह के नए नए वीडियो के साथ।